हेलो एवरीवन आई होप दैट यू ऑल डूइंग वेल दिस इज मी सयेश सुजातुला वेलकम टू इकरा आईएएस करंट अफेयर्स चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यू कैन आल्सो लॉग ऑन टू www.ikraias.com वहां पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बैच चल रहा है प्रीलिम्स कम मेंस 2023 के लिए भी बैच चल रहा है अलोंग विद दैट प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज एंड आल्सो फेमस फैकल्टी ओजर सर के साथ आप इंटरशिप भी कर सकते हैं ऑल दीज कोर्स अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम डॉट कॉम पे अगर आप जाते हैं तो आपको डेली वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे वेरी 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 क्रिस्ट एंड वेरी क्वालिटेटिव करंट अफेयर्स आर देर आप वो फिल्म के लिए और मेन्स के लिए दोनों के लिए काम में आए जैसे ही करंट अफेयर बनाए गए हैं सो यू कैन वॉच ऑन

सो सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल इस तरीके के जनरल एस में अगर स्टेटमेंट आता है तो आपको उसमें लिखना क्या है किस तरीके से अप्रोच होना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरेंट टू अंडरस्टैंड अगर ये लड़के को समझ में आ जाता है कि लिखना क्या है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी सेट हो जाती है वो चलना भी शुरू करती है यहां पे जनरल एस में यही एक स्टार्टिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम एस्पिरेंट्स फेस करते हैं कि लिखें क्या किस तरीके से इसको अप्रोच करें ओके okay, और समझने में भी दिक्कत आती है सो so बेसिकली ये समझिए कि अगर आप देखिए ये जनरल ऐसे ऐसे होते हैं कि आप कितने भी आ, मेंस के प्रिपरेशन कर लें आंसर राइटिंग लिख लें तो आपको आ, ये फिलोसॉफिकल जो भी होता पार्ट होता है ये आपको नहीं आएगा ये फिलोसॉफिकल पार्ट आपको न्यूज पढ़ने से ही आएगा और आप चीज़ों को समझने से समझने में और बेहतर एफिशिएंट हो जाओगे ओके okay, तो अगर इस तरीके से राइट्स आर नॉट दे से क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरीके से फॉर दीपुल इसका मतलब क्या है अगर आप इसके एसेंस एडिटोरियल से ढूंढ लेते हैं तो इस तरीके का कौन सा भी रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको एटलीस्ट मालूम तो ये होगा कि क्या लिखना है उसमें यहाँ पे हम सोल्यूशन बाई द पीपल फॉर द पीपल बोलने का मतलब वेरी वेरी सिंपल है कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है कुछ भी सॉल्व करती है ये लोगों के लिए सॉल्व करना है ओके okay. और लोगों क्यू यूज आए जैसा ही सॉल्व करना है बाई द पीपल सोल्यूशंस ऐसे होना चाहिए जो लोग चाहते हैं वैसे सोल्यूशन होना चाहिए और ये सोल्यूशंस लोग के लिए ही होना चाहिए सो दिस इज ओनली कॉल्ड एज सोल्यूशन बाई द पीपल

वो मॉडल से भी हम अनएलॉयमेंट रिड्यूस कर सकते हैं उसी तरीके से अपने पास रशिया फॉलो करे सो मॉडल सोशलिस्टिक मॉडल है वो भी एक तरीका है इकोनॉमी में इंप्लाय करने का उससे भी डेवलपमेंट हो सकता है लाइफ एक्सपेंडेंसी बढ़ सकती है सेम टू सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं लिटरेसी रेट्स बढ़ा सकते हैं पर कैपिटल इनकम बढ़ा सकते हैं सो so आधर आप इकोनॉमिक का कैपिटलिस्टिक मॉडल फॉलो करिए या सोशलिस्टिक मॉडल फॉलो करिए या हम जो फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक में मॉडल फॉलो करिए ऑल ऑफ दीज मॉडल्स आर बेसिकली डायरेक्टेड टूवर्ड्स होम ये पूरे डायरेक्ट होते हैं टू द पब्लिक टू पब्लिक की जल्द से जल्द डेवलपमेंट होना अल्टीमेट एम ऑफ एवरी मॉडल इज टू सर्व सोसाइटी इन द वेरी बेस्ट वे एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर पॉपुलेशन यही होता है एक कंट्री का मेन एम ठीक है तो वेलफेयर इज मोनिटरीज का मतलब क्या है यहाँ पे चेंजिंग ऑफ वर्ल्ड हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चल रहे हैं पाकिस्तान हमें टारगेट कर रहा है पाकिस्तान का साइड जर्मनी ले रही है तो इंडिया का साइड ऑस्ट्रेलिया ले रहा है उसके बाद में चाइना का रशिया का साइड चाइना ले रहा है फिर इंडिया भी रिसेंटली रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं करा है फिर रशिया के अगेंस्ट यूके जा रहा है आप देख रहे हैं तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में

तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट है कि जो पहला स्टेटमेंट है अपना सोल्यूशन बाई द पीपल फॉर द पीपल इस तरीके के अगर स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आता है तो आपको वट एवर वी आर डिस्कसिंग एडिटोरियल उसी तरीके से आपको अप्रोच होना है और आपका इसे खत्म करना है ठीक है राइट फाइन सो आप स्टार्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं आपका जर्नल इसे कोई बुरी बात नहीं है ये ऑथेंटिक है ऑथर बहुत अच्छे ऑथर है उनसे लिखा हुआ है सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इससे बेहतर हम कुछ लिखें नॉट नेसेसरी जरूरत नहीं है व्हाटएवर इज देयर यू राइट लाइक दिस एंड एक्सटेंशन आप तो ऑबवियसली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विजडम जो इकोनॉमी की जो साइंस है साइंस का मतलब है किस तरीके से इकोनॉमी हम चलाना चाहिए एक कंट्री में दैट इज ओनली कॉल्ड एज इकोनॉमिक साइंस कौन प्रोड्यूस करेगा ओके okay, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी या प्राइवेट पीपल प्रोड्यूस करेंगे कि किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे क्या रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करेंगे या गरीब क्लास के लिए प्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे डेवलप्ड स्टेट में करेंगे या अंडर डेवलप्ड स्टेट में करेंगे कितना प्रोड्यूस करेंगे राइट right? सो so, जे हु वेयर टू प्रोड्यूस हु विल प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस ये पूरे आंसर्स देने को ही कहते हैं इकोनॉमिक साइंस सो इकोनॉमिक साइंस 20th सेंचुरी में 1900s 1910 1920 ये पूरे जो वो सौ साल में नाइनटीन हंड्रेड से लेकर दो हजार तक वो पूरे सौ साल में एक जबरदस्त डिबेट चलती थी कि किसकी इकोनॉमिक्स बेस्ट है किसका मॉडल बेस्ट है ये बहुत बड़े केनियसन जे एम कीन्स, फादर मैक्रो है और एक फ्रीडमैन बहुत बड़े ये भी इकोनॉमि इकोनॉमिक कुछ और बोलती है और फ्रीडमैन की इकोनॉमिक्स कुछ और बोलती है केनियन ये बोलते हैं कि चलो भाई लोगों के लिए काम करना है उनके वेलफेयर के लिए काम करना है और गरीबी हटाना है राइट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए तो ये बेसिकली हर एक का वेलफेयर देखती है केनियसन इकोनॉमिक फ्रीडमॉन इकोनॉमिक ये कहती है कि गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट बस सबको फ्री छोड़ देना चाहिए कि कोई भी कितना भी प्रोड्यूस कर लो कुछ भी प्रोड्यूस कर लो कहां पे भी प्रोड्यूस कर लो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होना चाहिए इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिविजुअल तो फ्रीडम का कहना है कैपिटलिस्टिक मॉडल आप समझ सकते हैं इस तरीके से और केन का मॉडल हमेशा से रहा है वेलफेयर इकोनॉमिक बेस्ड रहा है और अपने जो नोबल प्राइज विनर है अमर जसेन उन्होंने भी उनको भी नोबल प्राइज ओ,

आउट ऑफ वे में चले जाना चाहिए जो भी कुछ भी को कितना भी प्रोड्यूस करना चाह रहे चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट सिटीजन के वे में नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए इन दी पब्लिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके और फ्रीडमैन और और मोनिटरिस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स ये कहते हैं कि प्राइवेट ऑनटरप्रिन को खुला छूट दे देना चाहिए और ऑटोमेटिकली ये जो प्रोडक्शन करेंगे ये जो इकोनॉमिक बढ़ाएंगे वो इनविजिबल हैंड की तरह होगा और और इट विल बिकम व्हाट वेरी गुड आउटकम्स फॉर ऑल हर एक के लिए या प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो या कंट्री हो सभी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे यह है फ्रीडमैन का कहना बोथ साइड्स अल्टीमेटली ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाले रहो या फ्रीडमैन वाले रहो ये हमेशा ये बोथ भी अग्री करते हैं कि ग्रोथ इन जीडीपी बहुत जरूरी है एंड ग्रोथ इन जीडीपी शुड बी व्हाट मॉनेटरी टर्म्स मॉनेटरी टर्म्स में जीडीपी को मेजर करना बहुत जरूरी है ये दो भी मॉडल कहते हैं राइट अभी क्या है नीट फ्रेश जमाने में इकोनॉमिकॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है जीडीपी बढ़ाना है इस तरीके का अप्रोच होता था पूरे मॉडल्स का बट अभी इस तरीके का अप्रोच नहीं काम करेगा दट इज वॉट वी आर कॉलिंग एक जमाने में क्लब ऑफ रोम था नाइनटीन सेवेंटी टू में ये लोग ऑलरेडी फार साइटेड थिंकर थे बहुत दूर का सोच लिए थे एंड दे अंडरस्टूड दैट हम जो भी जीडीपी बढ़ा रहे हैं हम जितना भी जीडीपी ग्रो कर रहे हैं वो हम एट दी एक्सपेंस ऑफ रिसोर्सेज एंडो टू अस जो भी रिसोर्सेज दुनिया में है जो भी रिसोर्सेज कंट्री में है वो पूरे रिसोर्सेज वाटर रहो या सॉइल रहो मेटल रिसोर्सेज रहो कुछ भी रहो वो पूरे रिसोर्सेज हम लेकर वी आर एक्चुअली ग्रोइंग अवर इकोनॉमी वेर एक्चुअली ग्रोइंग अवर इकोनॉमी राइट यस तो यहां पर यही बोला गया है रोम में जब वो लोग में में, चल गया था कि इस तरीके से अगर हम जीडीपी ग्रो करते हैं अल्टीमेटली विल डिस्ट्रॉयीट एनविरोनमेंट वो समझ गए थे जब ओके सो अर्थ की कैपेसिटी टू रिनी अगर हम नहीं छोड़ेंगे अर्थ को खुद से ही फिर से आपकी कैपेसिटी डेवलप हो जाए तो फिर रिसोर्सेस ही नहीं बनेंगे बचेंगे और आगे की जनरेशन को तो पूरी तबाही ही मच जाएगी तो वो 1972 में ही समझ गए थे एंड मोर ओवर दे दे इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कांसेप्ट ऑफ व्हाट हेल्थ ऑफ द इनटू द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट प्रॉफिट एंड ग्रोथ तो कितना प्रॉफिट आया कितना इकोनॉमिक ग्रो हुई और कितना एनवायरमेंट इनवास्टर्ब करे इस तरीके के कोरिलेशन से देखना शुरू कर दिए थे बट अभी के जो इकोनॉमिक्स है ये सब वो भूल गए हैं

by giving reasoning of what development of the people okay so slowly slowly what happened private entrepreneurship also prevailed or private entrepreneurs are using the natural resources at their extent jitna use kar sakte utna use kar rahe need of the citizens neglect kar diye okay in the national economic policies लोगों को क्या चाहिए उस तरी, उस तरीके से policies नहीं बन रहे आप India की ही policies देख लीजिए तीन चार decade पहले से अभी

इकोनॉमिक पॉलिसीज करना चाहिए फॉर रैपिड डेवलपमेंट ये इनका ही आइडिया था जो हम भी इंप्लीमेंट करे थे राइट। 2008 में क्या हुआ एक बड़ा सा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और ये क्राइसिस इसलिए आया था कि दुनिया के जो वर्ल्ड मार्केट है क्योंकि 1991 में ही पूरी दुनिया के इकोनॉमिक डोर्स खुल गए थे

तो so, बोलने का मतलब क्या है अभी जो अभी के जो, uh, है ना वो इंटर डिपेंडेंट इकोमी है so, और फाइनेंस में आप पढ़ते पढ़े हुए होंगे हुँ बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री नॉर्म्स बैंकिंग रिलेटेड भी होते हैं तो so, की जब बेसल नॉम्स भी नहीं थे जब उतने खास नहीं थे और फॉलो भी ज्यादा लोग नहीं करते थे बिकॉज ऑफ दिस Markets, एक में ग्लोबल आ गया था। जब क्या हुआ था जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई थी ना ये जी सेवन जो बड़े बड़े यूएस यूके जर्मनी फ्रांस जापान रशिया बड़े बड़े जो कंट्रीज थे नहीं हम सिस्टम को ठीक है बट वो क्राइसिस के वजह से जो जो भी छोटे छोटे कंट्रीज सफर करे थे ना उनके लिए कुछ नहीं दिए जैसे कि ग्रीस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में ग्रीस पूरा तबाह हो गया था वहां पे ना प्रोडक्शन हो रहा था वहां पे ना एम्प्लॉयमेंट हो रहा था वहां पे पॉवर्टी कम नहीं हो रहा था नहीं थे इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रहा नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा नहीं था उनके पास ठीक है तो अभी क्या हो गया ग्रीस ने उनकी अर्जी डाली है वर्ल्ड बैंक मुझे हमें पैसे दो पैसे दो तो पूरे बढ़ा दो आपके कम कर दो मींस अल्टीमेटली जब भी कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है जैसे कि कोविड पैंडमिक आने की वजह से गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दी गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम शुरू कर दी है ऑल ऑफ दिस कभी भी कुछ भी क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट है लोगों पर हो रहा है अपने जैसे लोगों पर हो रहा है तो गवर्नमेंट डॉट इवन केरिंग अबाउटिस होता है तो ग्रीस ऐसे छोटे छोटे श्रीलंका ये कंट्रीज तबाह हो जा रहे हैं

ओके okay. और ये जो इकोनॉमिक मॉडल जो बनेगा ये फीडबैक लूप के बनेगा हुए या नहीं हुए से बचा, नहीं बचा. So, इस तरीके का फीडबैक लूप इंप्लीमेंट करना चाहिए देन ओनली वी कैन एबल टू देन ओनली वी कैन एबल टू सेव पीपल देन ओनली वी कैन एबल टू ग्रो जीडीपी एंड ऑल द द पॉपुलेशन वे फॉरवर्ड क्या है फाइव ट्रैक वे फॉरवर्ड होना चाहिए अब हमेशा इकोनॉमी का रास्ता होना चाहिए ये पांच ट्रैक के ऊपर ओके पॉवर्टी निकालना बहुत जरूरी है इनको निकालना बहुत जरूरी है वुमेन को एनपावर करना बहुत जरूरी है और जो भी हम खाने के फूड सिस्टम से हेल्थी फूड सिस्टम देना है पीपल को विथ न्यूट्रिशन फूड्स और क्लीन एनर्जी के ऊपर डिपेंड होना है ये पांच इंपॉर्टेंट ट्रैक पे हर इकोनॉमी काम करना है ओके द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो सजेस्ट दैट अगर इस तरीके से प्रेजेंट पैटर्न ऑफ सॉल्यूशंस अगर चलते रहे इट विल डेफिनेटली एक्सेलरेट ए चेंज आएगा स्लोली स्लोली अगर इस तरीके से सॉल्यूशंस हम देते रहे तो पूरी दुनिया में अच्छे से चेंज आएगा द प्रेजेंट पाथ इज कॉल्ड एज टू 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 लिटिल लेट बहुत कम कर रहे हैं हम बहुत लेट हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम बहुत कम कर रहे हैं तो अभी हमें चाहिए व्हाट ए बिग लीप चाहिए क्या चाहिए बिग लीप जो भी कर रहे हैं उसे गेन आ रहा है बट ये गेन बहुत कम सिस्टम चेंज ला रहा है। जितना भी प्राइवेट वेल्थ बढ़ रहा है उससे प्रॉपर सिस्टमेटिक चेंज नहीं आ रहा है The इज गोइंग टू बी मिजरेबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन द मॉडल रिवीलॉनमेंट एंड सोशल सोशल कोलैप्स लेटर दिस सेंचुरी अगर इनिक्वालिटीज ओके okay, और पीपल का गुड अगर नहीं करते हैं तो वर्ल्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन विल सफर ए लॉट एंड द सोसाइटी विल कोलैप्स टू लिटिल टू लेट का मतलब क्या है इट प्रिजर्व द प्रेजेंट इनइक्विलेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर मींस टू लिटिल टू लेट बहुत देर से थोड़ा ही कर रहे हैं टू लिटिल वी आर डूइंग ओके बहुत देर के बाद many इतने centuries इतने decades होने के बाद में बहुत कम कर रहे हैं ओके okay, एंड

नीड फॉर अ डिस्ट्रस डिसरप्टिव पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस पॉलिटिक्स में ही जैसा कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा शिक्षा करते हैं हेल्थ हेल्थ करते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य करते हैं तो इस तरीके का पॉलिटिक्स में ही एक ऐसा डिसरप्शन आना चाहिए एक ऐसी सोच आना चाहिए रेडिकल चेंज जो कि एक बड़ी सी जंप मारे बड़ी सी जंप मान के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए और सोसाइटी के पास पावर्स देना चाहिए ओके okay. अगर इस तरीके से नहीं करते हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा हम हमारे जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट रो असेंबली रो उस पर हम बिलीव करना बंद कर देंगे ओके okay. अगर सोशल टेंशन इंडेक्स अगर हम देखते हैं एवरेज वेल्थ इंडेक्स हम देखते हैं to whether to might cause अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी अगर सही नहीं है में टेंशन आना शुरू हो जाएंगे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे पोलिटिकल डी होगा गवर्नमेंट गिर जाएगी इकोनॉमी रुक जाएगी और लोगों की वेलबींग well भी डिक्लाइन हो जाएगी सो इन गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम ये ऊपर से ये तो प्रॉब्लम हो गए और ऊपर से गवर्नमेंट विल सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म इविल्स लाइक पेंडेमिक रिस्क हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो सकता है इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेस होकर अपने को बहुत सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट की गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है तो ये इन की जो गैप है अमीर और गरीब में जाए हुए जल्द से जल्द कम करना होगा नहीं तो आगे जाके ये बहुत बड़ा सोशल टेंशन सोशल इविल इवेंट बनेगा सोशल टेंशन आर ऑलरेडी वेरी हाई विथ इन मेनी कंट्रीज क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक जो भी गवर्नमेंट से आजकल वो गिराए जा रहे हैं एंड अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स आर कमिंग टू पावर इन मेनी कंट्रीज ज बाई सिल्टरनेटिव अगर आप डेमोक्रेसिक प्रोसेस नहीं कर सकते हैं इन इक्वालिटी नहीं निकाल सकते हैं तो हम ऐसी जैसी गवर्नमेंट ले कहेंगे इन इक्वालिटी तो हमारे पास जब हम डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग हैं जब यहाँ पे डेमोक्रेसी से कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे ऑल्टरनेटिव सोर्स हम फोर्स करके ओके okay, वो लाना चाहेंगे सो मेनी ऑफ दी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिर रहे हैं और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आ रहे हैं

लोग एक इंपॉर्टेंट एसेट है फॉर ए कंट्री ओके टू मेक ए कंट्री स्ट्रॉगर टू मेक ए कंट्री यूनिफाइड टू मेक ए कंट्री मोर ओके मोर बेटर लोग इंपॉर्टेंट है दे आर नॉट जस्ट सो हमें काम करना है लोगों के लिए हमें काम करना है पॉवर्टी निकालने के लिए हमें काम करना है इकोलॉजिकल बैलेंस लाने के लिए हमें काम करना है इन इक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स व्हाई पॉलिसी मेकर्स अभी क्या करना है ऐसी पॉलिसी लेने लेके आना चाहिए जो इंक्लूसिव रहो जो भी कर रहे हैं वो और अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी है भी तो कभी मत छोड़िए नेचर पे कितना गिरा है सोसाइटी पे कितना फायदा हुआ है इसको को रिलेट करके ही कपुल करके ही जी डी पी का ग्रोथ एज्यूम करना चाहिए सो so, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट लेवल अगर वर्टिकल प्रोसेस जो भी है ऊपर के लोग जो भी बोल रहे हैं नीचे के लोग वही फॉलो कर रहे हैं नीति आयोग ने कह दिया है स्टेट गवर्नमेंट वो फॉलो कर रहे हैं पीओम ऑफिस से आ गया ऑर्डर सीएमओ ऑफिस वही फॉलो कर रहे हैं तो वर्टिकल प्रोसेस से कुछ नहीं होगा लेटरल प्रोसेस से होगा स्टेट स्टेट्स को बात करने स्टेट जी जी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है यूज करने का मौका दीजिए सो so, अगर लेटरल प्रोसेस पे ज्यादा बिलीव करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं वेरी 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 ब्यूटिफुल सोसाइटी लाइक दैट इट वॉज टोड इन आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू गुड एडिटोरियल्स Okay, have a nice day and.